बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में लीमू की स्क्वंज बीन की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे हम आम सादा जुबान में लीमू पानी भी कहते हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोज को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें। जैसा कि आपको पता है, आजकल गर्मियों का सीजन है और गर्मियों में हम जितना भी पानी पी लें वो हमारे लिए कम होता है, और हमारी बॉडी को नमकियात पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये पसीने की मद में बह जाता है। तो चलिए आज की हम रेसिपी लीमू पानी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो कुछ इस तरह है कि मैंने जो चीनी है एक बाउल ले लिया, एक प्याली मैंने चीनी के लिए है, 6 अदद हमारे पास लीमू है, 1/4 टेबल स्पून काला नमक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसको डालें, अगर नहीं पसंद तो आप मत इस्तेमाल करें। इसके साथ हम 1/2 चम्मच जो है मैं नमक का इस्तेमाल करूंगी, इसको भी आप हसबे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ मैंने 1 लीटर के करीब यानी 1 जग के करीब जो है वो पानी ले लिया इस प्लास्टिक की बाउल में, ताकि हमें बनाने में आसानी और क्वांटिटी मैयर करना इजी रहे। और ये जो है हम लीमू स्क्वीज करने के लिए, नींबू निचोड़ने के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज की हम रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। अब मैं सब चीजों को कर दूंगी साइड पर। अब हम इसको लेंगे, ये आम पानी, अभी ये ठंडा पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, टैप वाटर है, और इसके अंदर मैं जो है चीनी शामिल कर, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं आपको इसको जग में भी बनाकर दिखा सकती थी, लेकिन वो ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने खुले मुंह वाला बर्तन लिया है, ताकि आपको इजीली हर चीज नजर आए और मिक्स करने में आसानी हो। अब साथ ही मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। नमक की जो क्वांटिटी है हम थोड़ी अभी लेंगे, बाकी टेस्ट के मुताबिक हम ऐड करेंगे। ये देखें चीनी, अब इसमें चीनी और जो नमक है वो अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैंने लेमन को इस तरह से कट कर लिया है सेंटर में से, हम इसको इसमें डालेंगे इस तरह से, हम इसके अंदर रखते जाएंगे और लेमन का जो रस है वो सारा इसके अंदर शामिल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसी तरह मैं सारे लेमन, अब इसी तरह मैं सारे लीमू को स्क्यूज कर लूंगी, इसके अंदर इसका रस निकाल लूंगी। अच्छा, आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी नींबू निचोड़ कर जो है वो रस निकाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि एक स्ट्रेनर बना हुआ है जाली सी, जिसकी वजह से इसके जो बीज हैं वो पानी में शामिल नहीं होंगे। चलिए जी, मैंने अब सारे नींबू का रस जो है इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अभी तक मैंने जस्ट जो है वो काला नमक ऐड नहीं किया, मैंने काला नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो नमक नहीं इस्तेमाल करती, उन्हें बीपी का इशू है। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी उनके लिए निकाल कर, और जो मैंने इस्तेमाल करनी है उसमें ये काला नमक डालकर इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक जग ले लिया है और साथ में थोड़ी सी मैंने आइस ले ली है। अब मैं क्या करूंगी, ये वाला जो पानी है वो इस जग में शिफ्ट करूंगी और साथ में हम आइस डालेंगे। तो पहले मैं थोड़ी सी आइस डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको जग में डाल ली है और साथ में मैंने बर्फ भी डाली है, तो ये बहुत ही चिल हो चुकी है इस टाइम तक। चलिए व्यूअर्स, जो लीमू पानी है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, उसके अंदर ये काला नमक शामिल करूंगी। इसकी क्वांटिटी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर लेनी है। बिस्मिल्लाह, अभी मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी टेस्ट के मुताबिक, फिर मैं इसमें, इसका फ्लेवर बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। चलिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं इसको ग्लास में डालूंगी। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज को सबसे पहले देख सकें।
तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।